दोस्तों आज का जो प्लान है 20x20 में आपको इस तरीके से दो बेडरूम के साथ बहुत प्यारा मकान हमने डिजाइन किया है। अगर आपके पास बजट कम है या फिर प्रधानमंत्री सहायता राशि आपको मिली है तो आप इस खूबसूरत से मकान को आप जरूर बना सकते हैं। तो इसके एक एक डिटेल मैं डिस्कस करूंगा, तो पूरे वीडियो अंत तक देखें। कोई नक्शा बनवाना है तो मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कॉलम्स दिए गए हैं 10x10 के कॉलम हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कॉलम है ये सारे 10x10 के हैं और इसमें चार सरिये 12mm का यूज हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें 12mm का सरिया चार यूज किया गया है। आप जब भी कॉलम यूज करें तो 12mm का ही सरिया मिनिमम यूज करें, उससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं लेकिन उससे कम आपको नहीं यूज करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कॉलम 10x10 के हैं, ये सिंगल फ्लोर के लिए प्लान को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आप कॉलम हो गए, तीन आगे हो, तीन मतलब तीन पीछे, तीन तीन छः एक सात। ठीक है, 7 × 3 = 10 कॉलम्स इसमें आपके टोटल्स आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बाहर की जो दीवार है इसको भी मैं थोड़ा हाइट पे करके समझा देता हूँ। फॉर सेफ्टी रीजन आपको बाहर की जो दीवार है उसको 10 इंची का रखना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजन, ताकि कोई तोड़ करके मकान में घुसे ना। और अंदर की जो दीवार है उसको मैंने यहाँ पे 5 इंची का रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपकी 5 इंची की दीवार अंदर रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये आपके पूरी वॉल्स इस तरीके से कंप्लीट होकर आपको मिल जाएगी। और चैनल जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, तो आपका पूरा मकान इस तरीके से दिखेगा। अब एक बार कुर्सी को थोड़ा यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको प्लिंथ लेवल आपको समझ में आता रहे कि प्लिंथ का जो लेवल है क्या रखा गया दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कुर्सी का लेवल है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये आपका कुर्सी का लेवल इस तरीके से यहाँ पे रखा गया दोस्तों। ठीक है, आप ये देख लीजिए, थोड़ा कुर्सी का जो कलर है उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज किए देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि हाँ ये आपका कुर्सी का लेवल इस तरीके से रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको फ्रंट में आपको यहाँ पे स्टेप्स देना होगा, ये आपका फ्रंट में आपका सीढ़ी हो जाएगा मकान में एंट्री के लिए। मकान में जब भी आप एंट्री करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स इस तरीके से देना होगा दोस्तों। जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपको छोटा सा बरामदा एरिया मिलता है और यहाँ पे मिलता है एक दरवाज़ा, ये लग जाएगा आपको, गेस्ट रूम मिल जाएगा। इसका दरवाज़ा आप बाहर से इस तरीके से कर दें ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उनको बाहर का बाहर बैठा सकें दोस्तों। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा आपका मेन गेट, ये आपका मेन गेट लग जाएगा, ये आपका मेन गेट। जैसे आप एंट्री करेंगे फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे हॉल में, ये छोटा सा हॉल एरिया आपको मिलेगा। साइज़ भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इधर की बात करें तो ये आपको दूसरा बेडरूम, दोनों बेडरूम साथ साथ दिए गए हैं, ये आपका दूसरा बेडरूम हो जाएगा। और ये आपका किचन, ये आपका किचन हो गया और ये आपका बाथरूम हो गया। साइज़ मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि किस साइज़ में क्या चीज़ कैसे रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बाथरूम हो जाएगा, इसका दरवाज़ा यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा और ये आपका इसके बगल में आपका किचन हो जाएगा। ये आपका बाथरूम, ये आपका किचन हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे किचन एरिया आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये आपका किचन का दरवाज़ा इस तरीके से आपका रहेगा दोस्तों, आप देख लीजिए इस तरीके से आपका पूरा ये रहेगा प्लान। और मकान कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑल साइड खिड़की वगैरह आप चारों साइड दे सकते हैं दोस्तों। रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट में एंट्री करेंगे आपके छोटा सा बरामदा, ये आपका बेडरूम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ हॉल एरिया हो जाएगा, पीछे एक दूसरा बेडरूम, इधर आपका किचन और प्लस इससे बाथरूम आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सीढ़ी की एक बार समझा देता हूँ। सीढ़ी की चौड़ाई 2.5 फीट रखी गई है, 2 फीट 6 इंच, ऊंचाई हमने 8 इंची रखी है। थ्रेड जो है 9 इंची, ये जो थ्रेड जिस पे पैर पड़ेगा उसको 9 इंची है, ऊंचाई 8 इंची इस तरीके से रखा गया है और ये आपका इस तरीके से सीढ़ी बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम साइजेस की तरफ और आपको साइजेस समझाते हैं किस तरीके से मकान का साइज वगैरह हमने यहाँ पे बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 20 फिट हो गया फ्रंट, फ्रंट आपका 20 फिट और ये 20 फिट, 20x20 में आपको इस तरीके से पूरा ये मकान मिलेगा। ठीक है, ये गेस्ट रूम की बात करें तो 8 फिट 11 इंच × 8 फिट 11 इंच का गेस्ट रूम मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा बेडरूम 8 फिट 11 इंच × 9 फिट का आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो बरामदा आपका दिया गया है 4 फिट 10 इंच इस तरीके से × 9 फिट 10 इंच में आपको बरामदा मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे हॉल की बात करें तो इस जगह से आप देख सकते हैं 6 फिट 6 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई की बात करें तो 8 फिट 6 इंच है। किचन की यहाँ पे बात किया जाए तो 5 फिट इस तरीके से 5x5 में आपका किचन मिल जाएगा। और वॉशरूम की बात करें 3 फिट 7 इंच × 5 फिट का आपका इस तरीके से वॉशरूम मिल जाएगा दोस्तों। स्क्रीन शॉट लेना है तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो ये पूरा प्लान का छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कोई नक्शा बनाना है तो नंबर शुरुआत में दिया है, लेकिन वही लोग कॉन्टेक्ट करें जो हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।